हमारे प्राचीन ऋषि मुनि को ज्ञात था कि आधुनिक समय में ऐसा दौर भी आएगा कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे और उनसे मुक्ति के उपाय जानना चाहेंगे। तो उन्होंने ऐसे मंत्रों की रचना की, स्पेशली वेद में ऐसे मंत्रों की रचना हुई है, अन्य ग्रंथों में भी रचना हुई है जो पति पत्नी संबंधों को दृढ़ता पूर्वक निभाने को विवश करते हैं, और मंत्र द्वारा उनको बांध दिया जाता है और मंत्र की शक्ति इतनी जागृत हो जाती है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आज मैं जानकारी दे रही हूँ ऐसे ही मंत्रों पर, इस मंत्र को सुन लीजिए, आपका जीवन निहाल हो जाएगा, आपके जीवन के कलेश समाप्त हो जाएंगे। ये उपाय उस औरत के लिए है जिसका पति पर स्त्री के प्रति आसक्त होके उसका त्याग करने की सोच रहा है। तो ये बहुत गलत बात होती है, और दो स्त्रियां एक ही आदमी के जीवन में अच्छी भी नहीं लगती हैं, एक आदमी और एक औरत का जोड़ा ही अच्छा लगता है। तो आज आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि एक, वैसे तो डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मेरी अपनी राय है, ये किसी अन्य की राय से मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ ये मेरा अपना आउटलुक है, तो इसको मानने के लिए मैं किसी को बाध्य भी नहीं कर रही हूँ कि मेरी बात आप माने। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि पति पत्नी का जोड़ा बना रहे, और उसके बीच में घुसपैठ करने वाली जो औरत होती है उसके लिए जितना भी गंदे शब्द का प्रयोग हम करें उतना ही काम कम है। कई लोग दिखावा करते हैं कि उनको तो अपनी सौतन से कोई शिकायत नहीं है, ये दिखावा मात्र है। हम ऐसी औरतों की भी निंदा करते हैं जो सौतन को जी का बोझ नहीं समझ के गले का हार समझती है। तो ऐसी औरतों की भी हम निंदा करते हैं क्योंकि ऐसी ही औरतें समाज में इस दुष्प्रचार को बढ़ावा देती हैं और औरों को भी प्रेरित करती हैं कि वो भी उनको जीवन शैली को अपनाए, मतलब वो उनका पति भी दो दो शादियां करके बैठे। तो हर घर में दो बीवियां हो गई तो क्या हाल होगा, और आदमियों का क्या हाल होगा? तो इस बारे में भी जरा सोचना जो दो बीवियों को लेके बैठे हैं घर में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और अपनी पत्नी को समर्पित ये वीडियो है, आपकी पत्नी को समर्पित है ये वीडियो है। इसके द्वारा मैं आपको ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ जिससे आपका जोड़ा कहीं नहीं जाएगा, और अनवरत रूप से आप रिश्तों की ऐसी मजबूत डोर में बन जाएंगे पुनः है जिस डोर में आपने कभी स्वप्न में सोचा होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अपने हाल चाल को बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, यही मैं उनके लिए ब्लेसिंग्स प्रेषित करती हूँ। तो आइए आज का मंत्र जापते हैं, जो जपते हैं और प्राप्त करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली देगा। लेकिन उसकी प्रक्रिया है वो भी जान लीजिए। मंत्र ऐसा ही नहीं जपना है, मंत्र को आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ इसको जपना है आपको, ये सही बात है। लेकिन अपना कोई भी कपड़ा आप इस अब मंत्र से जपेंगे और अभिमंत्रित हो जाएगा, उसको ही आपको धारण करके पति के सामने जाना है। ध्यान दीजिएगा, अंडर गारमेंट भी हो सकते हैं, नाइटी भी हो सकती है, गाउन भी हो सकता है, जो भी कपड़ा आपको उपयुक्त लगे उस कपड़े को आप अभिमंत्रित करें इस मंत्र से, और तत्पश्चात उसको धारण करके पति के सामने जाएं और मन ही मन इस मंत्र को चैंटिंग करते रहें। वैसे तो चैंटिंग आसान नहीं है क्योंकि मंत्र क्लिष्ट भी है, हो सकता है आपकी नज़र में, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है या आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं आज के दौर में भी, तो आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको संस्कृत की भी अच्छी नॉलेज है तो मुझे नहीं लगता इस मंत्र को जपने में आपको कोई दिक्कत होगी। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और सौतन से मुक्ति पाने का ये मंत्र है जो आपको बहुत प्रभावित करेगा, और आपका खोया हुआ पति आपकी डोर में बांधा हुआ वापस चला आएगा, और फिर प्रेम की डोर में बंधा हुआ आपके पास टिका रहेगा और कहीं नहीं वापस जाएगा, आप ही के पास रहेगा और आप ही की गुलामी करेगा और आप ही की गीत गाएगा। गीत गाएगा से मतलब गुणगान करेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी और सौतन का तो मुंह देखना पसंद नहीं करेगा, उससे नफरत करने लगेगा, और उससे छुटकारा पाने का उपाय खुद सोचने लगेगा कि इसको छुटकारा पाने से मतलब है उसको कैसे त्याग दिया जाए, ऐसी जुगत लड़ाने की कोशिश करेगा। तो आइए मंत्र जानते हैं। ओम अभित्वा मनु जातेन, ये एक ही शब्द है। दधामि मम वाससा यथा सो मम, ये अगली लाइन है। केवलो नान्यासाम कीर्तयाश्च न, ये पूरा मंत्र है, एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम अभित्वा मनु जातेन दधामि
मम वाससा, अगली लाइन है अब, यथा सो मम केवलो, नान्यासाम, सा पे बिंदी है ऊपर, कीर्तयाश्च न। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आपको जाप करना है, कितनी भी संख्या में आप जप सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है कि आपका काम अवश्य ही होगा और आपका पति आपकी तरफ पुनः आकर्षित होगा, जो आपको त्याग चुका है या पर स्त्री की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। तो ये आप अवश्य करिएगा, ये उपाय ये आपको बहुत लाभ देगा। और ये आपको उसी वस्त्र को हाथ में लेके टच करते हुए अभिमंत्रित करना है और बोलना है और फिर इसको धारण करना है, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब इस मंत्र का जाप उस वस्त्र को हाथ में लेकर आपको जपना है जो आपको पहन के पति के समक्ष जाना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मंत्र ऐसा ही है, जो वस्त्र को अभिमंत्रित करने का मंत्र है, इसको आप अवश्य ही जपिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। मित्रों, आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसी बहुत सी सौतन हैं, सौतन से परेशान बहनें हैं, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करिए, जिससे उनका भला हो सके और उनके थ्रू आपको ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो सके और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, हो जाती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको डेली मिलती है और मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। कमेंट सेक्शन में आके जय माता दी, जय श्री राम और जय श्री कृष्णा और ओम नमः शिवाय अभी अवश्य ही लिखना, और जय माता दी के साथ साथ संपूर्ण शिव दरबार, शिव पंचायत का जयकारा लगाना और संपूर्ण राम दरबार का जयकारा लगाना और हनुमान जी की जय भी अवश्य बोलना।